नमस्कार, आप देख रहे हैं समाज सहारा न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। जयसिंह नगर में सोमवार की सुबह ग्राम बांसा के ग्रामीणों ने जयसिंह नगर विद्युत विभाग केंद्र का घेराव किया। ग्रामवासियों ने ग्राम बांसा में तत्काल नया ट्रांसफार्मर लगाए जाने की मांग की है। साथ ही बिना विद्युत सप्लाई के बाद भी अत्यधिक बिजली के बिलों को निरस्त करने की भी मांग की है। ग्रामीणों ने वरिष्ठ अधिकारियों के नाम ज्ञापन सौंपकर त्वरित कार्रवाई की मांग भी की है। ग्रामीणों ने बताया कि 9 जुलाई 2020 को ग्राम बांसा के ग्रामीणों द्वारा विद्युत सप्लाई केंद्र जयसिंह नगर और कमिश्नर ऑफिस में दिए गए आवेदन के मुताबिक बराटोला में लगा ट्रांसफार्मर 5 माह पूर्व 15 फरवरी 2020 को अज्ञात कारणों से जल गया था, किंतु आज तक नया ट्रांसफार्मर विद्युत विभाग द्वारा नहीं लगाया गया, किंतु बिजली का बिल देकर अनावश्यक भार आम जन के ऊपर थोपा जा रहा है, जिससे कि ग्राम बांसा वासियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिजली की समस्या से ग्रामीणों ने बताया कि बार बार बिजली का गोल होना भी एक बड़ी समस्या है। बिजली से जनता परेशान है। नगर मुख्यालय जयसिंह नगर और नगर से लगे ग्रामीण इलाकों में विद्युत सप्लाई केंद्र जयसिंह नगर के द्वारा बार बार कटौती किए जाने से आम जनता को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बिजली कटौती कृषि कार्यों में भी काफी प्रभाव पड़ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी के कार्य प्रभावित नगर में होने वाले समस्त इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी के कार्य, चाहे वो कंप्यूटर ऑनलाइन ऑफलाइन के कार्य हो या फिर डेली यूज राशन सामग्री के लिए आटा धान चक्की मशीनरी का कार्य हो, बार बार बिजली कटौती के कारण ये कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। घंटों घंटों तक इन कार्यों को करवाने के लिए आम जनता को इंतजार करना पड़ता है। इसी के साथ इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी पर आधारित कार्यों को कटौती के कारण कार्य बंद हो जाते हैं। छोटे और बड़े व्यापारियों के व्यापार भी प्रभावित हो रहे हैं। ये जो बांसा की टीम आई, इनकी क्या समस्या है? समस्या इनकी ट्रांसफार्मर की है, विद्युत की समस्या है। ट्रांसफार्मर फेल है, वहाँ लगवाना है, ट्रांसफार्मर मिल जाता है नहीं। तो ये लोगों का कहना है कि हम 6 महीना पहले आपको आवेदन दिए और 6 महीने से इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। इनका ट्रांसफार्मर फेल है, बिल बकाया था, तो कुछ लोग बिल जमा किए हैं अभी, बिल बकाया होने कारण नहीं लगाया गया था। बिल कुछ लोग जमा किए हैं अभी, तो करते हैं। इनका कहना ये भी है कि हम बिजली जलाते भी नहीं, हमारे 5-5, 6-6 हज़ार 10-10 हज़ार का बिजली का बिल, जिनके ज़्यादा बिल हैं तो वो लेके आ जाएं ऑफिस में, सबका एक तरफ जिनके गलत बिल हैं दिखवा के सुधरवा देते हैं। नहीं तो वो तो जमा भी कर दिए ना बिल। नहीं जमा कर दी नहीं किए होंगे, पूरा जमा नहीं हुआ होगा बिल, पूरा जमा किए हैं ना हमको। जिनके अगर जमा है, जिनके होगा, तो वो पूरा देख के जो है फुलूस उनका निकाल के कितना गलत है जो सही है, मीटर चेक करवा के, और उसके बाद जो है। और नहीं, जैसे आज ये इतनी बड़ी जनता आई, इतनी आक्रोशित है, इसके इसमें इनका क्या समाधान आ जाता है? इसमें ट्रांसफार्मर की है, तो ट्रांसफार्मर अधिकारियों से बात करके मंगवा के इनका ट्रांसफार्मर लगवा देते हैं, और जिनके बिल बकाया है, जिनके गड़बड़ हैं, तो उनके देख लेते हैं बिल जमा करवा के, उनका जो है गलत बिल वालों को सुधार करके जमा करवा देते हैं। नहीं, कई लोगों का कहना तो ये है कि हमको आज ही ट्रांसफार्मर चाहिए। ट्रांसफार्मर अभी मैं बात किया हूँ, अभी ट्रांसफार्मर गाड़ी भी भेजा है मैंने पेट्रोल, जैसे ही मिलता अगर शाम तक आ जाता तो कल लगवा देंगे। तो इनको आप कैसे आश्वस्त करेंगे? अब आज गाड़ी आ जाए पेट्रोल से ट्रांसफार्मर लेके, तो फिर कल लगवा। भगवान नगर की देवी मंदिर प्रांगण में भाजपा के ग्रामीण मंडल अध्यक्ष बड़ा मल्हरा रवि प्रताप सिंह और स्थानीय कार्यकर्ताओं द्वारा पत्रकारों के सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें नगर भगवान बड़ा मल्हरा, राम टोरिया और घुवारा के पत्रकार साथी उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर डीपी असाटी, अतिथिगण राजा राम विश्वकर्मा, पुष्पेंद्र सिंह फुटवारी, जगदीश यादव, विनोद राजपूत और स्थानीय कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस सम्मान समारोह को डॉक्टर डीपी असाटी ने संबोधित करते हुए कहा कि पत्रकार विषम परिस्थितियों में भी समाज, नगर और देश में होने वाली छोटी से छोटी घटनाओं को हम तक पहुंचाते हैं। अपनी जान की परवाह न करते हुए हर छोटी से छोटी खबर को जन समुदाय को संचार के माध्यम से पहुंचाते हैं। पत्रकार देश की रीढ़ की हड्डी और समाज को कोरोना के प्रति जागरूक करने वाले योद्धा हैं। उन्होंने रवि राजा खैरी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए कहा कि आपने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें सभी पत्रकारों का सम्मान किया जा रहा है। मैं अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करता हूं कि पत्रकारों के सम्मान का अवसर प्राप्त हुआ। सभी अतिथियों ने अपने अपने उद्बोधन दिए। इसी तारतम्य में कार्यक्रम के दौरान अनिल शर्मा ने अतिथियों और कार्यक्रम के आयोजक का आभार व्यक्त किया, और नगर के युवा पत्रकार अक्षय जादू जैन ने आयोजक और अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्थान होते हैं और सरकार के मुलाजिमों की हकीकत बयां की। जैसा कि आप लोगों को सबको जानकारी है कि इस महाबीमारी में कोरोना के सब लोग परेशान हो रहे थे, लेकिन आप लोगों ने जिस तरह से योद्धा की तरह इसमें हर जगह पहुँच कर
सबको इस न्यूज़ की जानकारी दी, अपने घर परिवार की चिंता ना करते हुए सब लोगों को यह जानकारी दी कि भैया हर चीज़ से बच के रहें, सब चीज़ें हम लोग तो ठीक है घर में रहे, लेकिन आप लोगों ने किसी प्रकार की कोई चिंता ना करते हुए घर गांव सब जगह जाकर सब न्यूज़ लेकर सबको जनहित में न्यूज़ भेजी, सबको इस चीज़ की जानकारी दी। अब मैं आप लोगों जैसे योद्धाओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं आज बहुत गर्व महसूस कर रहा हूं यहां पर कि मुझे आप जैसे कोरोना योद्धाओं से के बीच में काम करने का मौका प्राप्त हो रहा है। मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। जो परिक्षेत्र पश्चिम सिलवानी के रेंजर संजय सिंह राजपूत को मुखबिरी प्राप्त हुई कि सिलवानी के प्रधान मोहल्ले में आरोपी कयूम पुत्र अयूब निवासी प्रधान सिलवानी के घर में अवैध रूप से सागौन इमारती लकड़ी संग्रहण कर रखी हुई है। रेंजर संजय राजपूत के द्वारा वन स्टाफ के साथ पुलिस बल सिलवानी को अपने साथ लेकर मुखबिरी की तस्दीक के लिए प्रधान पर छापामारी की गई, जिसमें 41 घन मीटर 1.90 घन मीटर सागौन चिरान जिसकी कीमत लगभग 30,000 को जब्त किया जाकर वन अपराध प्रकरण क्रमांक 4152/11 जारी किया गया। आरोपी मौके से फरार हो गया और पूरे वन स्टाफ और पुलिस बल के साथ पूर्व से फरार आरोपी मुन्ना लाल पुत्र खुमान सिंह लोधी निवासी सिंगार के घर पर दबिश दी गई, जिसमें उसके घर से 2 नग सागौन जब्त किए गए। घर पर महिलाओं के अतिरिक्त कोई भी पुरुष सदस्य नहीं मिला, जिसका वन अपराध प्रकरण क्रमांक 41134/25 जारी किया गया। आरोपी मौके पर नहीं मिला। क्या सर ये लकड़ी कहाँ से पकड़ी गई? ये हमें सूचना मिली थी मुखिया के द्वारा कि श्री अयूब खान तथा अयूब खान के यहाँ लकड़ी पर रखी हुई है, जो कि प्रधान निवासी हैं, तो वहाँ पर हम गए तो वहाँ पर वो लकड़ी हमें मिली थी और करीब करीब 1 घंटे के आसपास लकड़ी है। कितनी कीमत होगी? लगभग 40,000 कीमत होगी। कोरोना जैसी महामारी में पुलिसकर्मी और अधिकारियों को आज सब जेल समस्त स्टाफ को सबलगढ़ जिला मुरैना में ऋषि यादव द्वारा सम्मान किया गया, जिसमें जेलर साहब और समस्त स्टाफ को फूल मालाएं, मास्क, सैनिटाइजर, श्रीफल, शॉल आदि देकर उन्हें सम्मानित किया गया। छतरपुर भूमिटा थाना अंतर्गत चौकी चंद्रनगर क्षेत्र की घटना जो दशरथ पिता राजालाल उम्र 19 वर्ष आदिवासी निवासी टोडिया टेक का है, जो रात्रि के 12 बजे करीब बाइक पर सवार होकर किसी काम से भियाताल की ओर जा रहा था कि अचानक शिवराजपुर नहर में बाइक जा गिरी और दशरथ आदिवासी की मौके पर ही मौत हो गई। थाना प्रभारी के निर्देशन में चौकी चंद्रनगर प्रभारी ने शव का पंचनामा तैयार कर पोस्टमार्टम के लिए राजनगर रवाना किया। सर जी, ये एक्सीडेंट हुआ है, सुना है कि किस समय क्या है, इसमें कारण क्या है? दशरथ आदिवासी यहाँ टोलगेट टेक के रहने वाले थे। ये यहाँ पेपरमेंट फैक्ट्री में अवस्थित जी के यहाँ काम करते थे। कल रात में ये जो बीरबल ढाबा वाले हैं उनकी मोटरसाइकिल लेकर के आए थे और यहाँ पर सुबह खबर लगी मतलब उनके एक्सपीरियंस के लिए अभी पास हो गया, तो अभी देखा देश पार्ट देखा और प्रथम जाँच करी गई है। इस पर यही लग रहा है कि ये आए हों और जो टर्निंग है मुड़ गई वो समझ नहीं पाए और जाके सामने वाले पोर्शन से टकरा गए, क्योंकि जो पेड़ हैं भेसक होने के निशान है उससे ही लग रहा कि ये एक्सीडेंट ही हुआ है और इनकी गाड़ी ही गति चुकी है। और इसकी सूचना मिली आपको? सुबह रात में मिल जाए, क्योंकि सुना है और रोड थोड़ा बिल्कुल नहीं हटती है इस कारण से। खबरों में फिलहाल इतना ही, और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए समझ सहारा न्यूज़। We'll be right back.